मुझे ये बताओ, 33rd में क्या मैंने आपको ये बताया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है वो और किस चीज का काम करती है? अगर मैं कहूं, अगर पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, ये हाइट भी कहलाएगी पी एम, तो ये हाइट और क्या क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताओ? मीडियन 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 भी मीडियन है, परपेंडिकुलर और क्या कहते हैं इसको? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो एंगल बाइसेक्टर भी है ना, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, यही लाइन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक रोल मॉडल होती है ना सबके लिए, सब चीजें हैं उसमें। तो अगर वो मीडियन पूछ रहा है, देन लेंथ ऑफ इट्स मीडियन, तो ये मीडियन, ये हाइट भी निकाल दूंगा तो भी वही चीज है। तो पीएम मीडियन का भी काम कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। अच्छा, इसी के ऊपर, इसी मीडियन के ऊपर कोई ना कोई सेंट्रोइड भी लाई करेगा। और मैंने आपको एक बात बताई, सेंट्रोइड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो इन सेंटर का काम भी कर रहा है, मतलब यही जी पॉइंट इन सेंटर भी आई भी है, यही जी पॉइंट सरकम सेंटर भी है, यही जी पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, इन रेडियस दे रखा है, तो ये इन इन सेंटर हो गया जी। इन रेडियस का मतलब एक अंदर सर्कल लगाएंगे उसका रेडियस। 1 यूनिट का वैल्यू जीएम, जीएम हमें एक लॉजिकली क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। ये जो जीएम है ना, ब्राउन, जो मैंने ब्राउन कर दिया, ये 3 दे रखा है। अब हमें पता है यार, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो पीएम है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये मीडियन का काम भी कर रहे हैं। तो जी जो है सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2 रेशियो। है। अगर पीजी 2 यूनिट है, तो जीएम क्या है बेटा? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, 9 तो 3 यूनिट की तो वैल्यू क्या होगी? मीडियन तो 2 यूनिट ही है, 1 यूनिट ही है, तो टोटल तो 2 और एक 3 यूनिट हो गया ना मीडियन की लेंथ। तो यस सर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, अगर पार्ट है मीडियन का जी एम वो 1 यूनिट है और वो 3 दिया हुआ है, 3 यूनिट किसके बराबर हुआ बोलो? नाइन इस क्वेश्चन को आप बिना पेन को हाथ लगाए माइंड में सोच सकते थे, अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता होती। क्या इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपसे इस बात एक ही बात याद रखें, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, कौन सा है, मींस दे आर सिंगल पॉइंट। ओके, गॉट माय पॉइंट? तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना अभी।